आपका गाड़ी चोरी हुआ तो क्या हुआ? वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। और मैं हूं अश्विनी सिंह और ये है हमारे दोस्त। और आज हम लोग जा रहे हैं नेपाल, और अभी हम जहां से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये भी है नेपाल। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए भैया 800 का दोनों में दे दीजिए। इंडिया से तो काफ़ी महंगा लग रहा है यहाँ का पेट्रोल, क्योंकि 181 रुपये लीटर यहाँ मिल रहा है नेपाली करेंसी से, और 5 रुपये महंगा है। और हम लोग सोचे थे कि नेपाल में सस्ता पेट्रोल मिलेगा तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया हम लोगों के साथ। तो ले लिया है हम लोगों ने पेट्रोल, और इस वक्त हम लोग हैं नेपाल के सप्तरी जिले के कंचनपुर में, और यहीं से आज का हमारा सफ़र अब शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि हमको अभी यहीं से पहाड़ दिखना शुरू हो गया है, शायद दिख रहा होगा आपको, वो पहाड़ है अच्छे तरीके से दिख रहा होगा आपको, चारों तरफ हमारे पहाड़ है और यहीं से हमें पहाड़ दिख भी रहा है। हम लोग स्पीड में चल रहे हैं तो कुछ सीन छूट जा रहा है, बाकी आप देख सकते हैं कि कितना बवाल नज़ारा आ रहा है पहाड़ों का उन बादलों के साथ, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारा है एकदम, वो पहाड़ और उसके ऊपर वो बादल। चलिए फिर चलते हैं, हमें भी पहाड़ की चढ़ाई करनी है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और मजे लीजिए पहाड़ों के। इस रास्ते में हमारा असली सफ़र तो अब यहाँ से शुरू होता है, जब ये सुंदर सड़क हमारे सामने है और इतना अच्छा व्यू दिख रहा है सामने का, और यहाँ का व्यू तो ऑसम एकदम, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, इतना अच्छा मज़ा आ रहा है हमें राइड करके। यहीं से पहाड़ स्टार्ट हो चुका है हमारा, और असल में हम लोग इस रोड होके जाने वाले नहीं थे, लेकिन किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप इस रोड होके जाएं, ये ज़्यादा अच्छी रोड है, तो हम लोग इसी होके अभी यहाँ आए हैं। यहाँ रोड पर से ही नदी बह रही है, पूरा पानी हमारे जूतों के अंदर चला गया है दोबारा, ये लगा के दूसरी बार हमारे साथ ऐसा हो गया। अब आपको अपने दोस्त की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जो हमारे पीछे आ रहा है। बेचारा हमारा दोस्त बहुत बुरी तरीके से भींग गया, जूते के अंदर सबके पानी चला गया, और वो नदी दिख भी नहीं रही थी ठीक से रोड पर, इस वजह से भी ऐसा हुआ। तो हम लोग यहाँ गाड़ी में हवा लेने के लिए रुके थे, और बिहार के एक भैया हम लोगों को मिल गए हैं, सुबेश नाम है इनका, और मोतिहारी जिला के हैं ये। अभी यहाँ से चतरा हम लोगों को और 5-7 किलोमीटर रह गया है, और गर्मी बहुत है, तो हालत खराब हो रखी है गर्मी में। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अब चलिए। अच्छा, चलिए आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद चाची पानी पिलाने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। हम लोगों ने ले लिया है अब हवा गाड़ी में, और पानी वानी भी पी लिए हम लोग। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने जर्नी में आगे, पहाड़ों का सफर करेंगे आपके साथ। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही खूबसूरत है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ घूमकर, यहाँ गाड़ी चलाकर मतलब राइड करके बहुत ही ज़्यादा, और गर्मी भी है धूप भी है उस तरीके से ही, फिर भी हम लोग घूम रहे हैं, देखते हैं आगे और कैसा कैसा क्या रहता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अब चतरा, और सामने है कोसी ब्रिज, और ये खूबसूरत नज़ारा देखिए आप, दोनों पहाड़ों के बीच से ये सप्तकोसी नदी बह रही है। इस नदी को नेपाल में सप्तकोसी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 7 नदियों का संगम है नेपाल में कोसी का, इसलिए इसे सप्तकोसी कहा जाता है। और यहाँ की जो सड़क है चतरा के बाद आप जिधर भी जाएँ तो बहुत ही ख़राब सड़क है, गिर मत जाना कोई। बहुत नीचे ढलान है एकदम। क्या वहाँ डैम वगैरह है लगता है? हाँ बोटिंग करना है। नहीं टिकट, मतलब टिकट लिया कि नहीं लिया? नहीं नहीं लिया, वहाँ टिकट लेना होता है। नहीं ठीक है, छोटा वाला में जाएगा? हाँ बस ऐसे ही घूमने के लिए, इधर घूमने के लिए ना। हाँ घूमने के लिए बस, वो छोटा वाला जाएगा। टिकट कैसे है? एक आदमी और 500 रुपए। नेपाली ना? नेपाली। हाँ कहाँ तक लेके घुमाते हैं आप लोग? 3 किलोमीटर। हाँ 3 किलोमीटर उधर जाएगा, टोटल 6। रिसोर्ट भी है? रिसोर्ट अभी नहीं है, वो रैपिड पे थोड़ा एंजॉय होगा। हाँ रैपिड है उधर, इसमें एंजॉय थोड़ा रैपिड। हम लोगों के पास जो बाइक है फिर वो कहाँ लगाएंगे? अभी 15 दिन आज दीजिए ना, कुछ नहीं होगा। तो उसका गारंटी आप लोग लीजिएगा क्या? कुछ नहीं है, लॉक किया है ना? हाँ लॉक किया है। आपका गाड़ी चोरी हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? इतना आदमी रखा था, कुछ भी नहीं हुआ, रख दिया, छोड़ दिया। फाइनली
यहाँ पर बोट वाले भैया से फाइनल कर लिया है। नेपाली 500 रुपीज हमें लगा है और ये रही हमारी बोट। और ये लोग बोले इसमें 6-7 आदमी का सीट है, तो आराम से 3-4 आदमी जा रहे हैं, तो हम इसमें कुछ डिस्काउंट भी नहीं कर सकते। तो अब हम लोग यहाँ से चले हैं, चलिए चलते हैं। आपको बता दूं कि चतरा में लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ बहुत सेफ्टी बरतने की जरूरत है। लाइफ जैकेट हम खुद ही पहनेंगे हमारे। सीरियसली बहुत मजा आने वाला है लगता है हमें। और हम लोग इस कोसी नदी में है, सब कोसी कहा जाता है इसको नेपाल में। हमारे दोस्त लोग भाई डर लग रहा है, पहली बार चल रहे हैं। ये भैया भी बिहार के ही हैं, ये भी भैया बिहार के हैं और यहाँ पे ये भी बोट का काम करते हैं, मतलब बोट चलाते वगैरह हैं। तो यहाँ बहुत सारा बोट लगा हुआ है, तो अब हम लोग बैठ रहे हैं इसमें। चलिए मैं भी लाइफ जैकेट पहन लेता हूँ। यहाँ हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। ओ भाई बहुत डर लग रहा है, हम पहली बार चल रहे हैं। तो इनका फटके फट रहा है, फटके दरवाजा लग रहा है। और ये बहुत डरफोक से इंसान है, रास्ता में भी बहुत डरे हैं ये। रास्ते पर डरते हैं, हम लोग डरते नहीं, हम लोग चढ़े हैं और अभी बहुत मजा लेंगे। अभी मजा लेंगे हम लोग, बस 500 रुपए आराम का थोड़ी ना आया है। अंकित जी कुछ खाइए, बड़ा मजा आ रहा है ये सफर करके, बहुत ही मजा आ रहा है। कमाल हो गया, इसका डर से हालत खराब है। चलिए हम लोग वापस से अब यहाँ आ चुके हैं, तो अब हम लोगों का शायद सफर यहीं तक का था बोट पे। और कह रहा हमारा ये वीडियो नहीं डालना,
इतना जबरदस्त कांड किया है, इतना नॉर्मल सी बात पे इतना चिल्लाया है, कोई क्यों ना इसका वीडियो अपलोड करे बताइए। पेट थरथरा रहा है मेरा।